हम जैमिनी सूत्रम के प्रथमाध्याय में हैं। प्रथम पाद में 25 सूत्र पूरे हो चुके थे, पांच छठे भाग तक। आज यह सातवां भाग है। इस सातवें भाग में हम राशियों की जो दशा होती हैं जैमिनी मत में, जैमिनी जी के अनुसार वहाँ पर गणना किस प्रकार से होती हैं और उस दशा के वर्ष निर्णय कैसे होता है, इसी पर विचार करते हैं। बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं लेंगे क्योंकि अब विषय थोड़ा हमारे सामान्य क्रम से हटके जा रहा है। यहाँ आचार्य जी एक सूत्र बता रहे हैं, प्राची वृत्तिर विषम भेषु, प्राची वृत्ति ही विषम भेषु। राशियों को जानते ही हैं, समराशियां और विषम राशियां। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राची वृत्ति ही। हम प्रायः व्यवहार में देखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी क्लॉकवाइज कहने का अर्थ हुआ जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, उसी को हमने कहते हैं कहीं दक्षिणावृत्त। आवृत्ति किधर से है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर घूमने का अर्थ क्या हुआ, दाहिने की ओर घूमना है। यही तो इसी तरीके से यहाँ पर प्राची वृत्ति, यहाँ जो कह रहे हैं आचार्य जी, इसका अर्थ हम क्या लेंगे, राशियों का जो क्रम है, राशि चक्र में राशियों का जो क्रम है, राशियाँ घूमती तो पश्चिम की ओर हैं किंतु उनका क्रम कैसे है, पूरब की ओर है। अर्थात पूरब में यदि हम पहले मेष को देख रहे हैं तो मेष जैसे उठेगा, अर्थात मेष जैसे ऊपर ऊपर आएगा, अर्थात मेष जैसे पश्चिम की ओर चलेगा, तो उसके बाद मेष से पूरब में कौन सी राशि दिखेगी, वृषभ। फिर वृषभ के बाद मिथुन, अर्थात हम एक 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 राशि पूरब की ओर चल रहे हैं और वो घूमते हैं पश्चिम की ओर। तो विषम भेषु, विषम राशियों में, कहाँ पर, किस स्थान में, किस संदर्भ में हम ऐसे लेते हैं, ये कुछ भी आचार्य बताते नहीं हैं। और ये हमें बताते हैं व्याख्याकार। वो क्या कहते हैं व्याख्याकार, चरदशा, दशा में एक दशा है चरदशा। तो उस चरदशा का जहाँ विचार करते हैं, उस विचार में विषम राशियों में वृत्ति माने प्रवृत्ति अर्थात चलन क्रम क्या होगा, तो कह रहे हैं प्राची वृत्ति ही, प्राची वृत्ति होगी। यानी हम मेष के बाद अगले राशि में जाएंगे, मेष से अगले, अब उसके बाद उससे आगे की। यहाँ पर भी एक प्रश्न चिन्ह हम लगा सकते हैं, वो प्रश्न चिन्ह क्या है, मेष के बाद हम अगले विषम राशि में जाएंगे या सम राशि में, इसको हम प्रश्न चिन्ह बने रहने देते हैं। विषम राशियों में प्राची वृत्ति होगी, विषम राशियों में गणना पूर्वादि क्रम से होगा, विषम राशियों में मेष वृष मिथुन इत्यादि जो साधारण क्रम है उसी में हम चलेंगे, गणना ऐसे ही होगी, इतने तक जानना है हमें इस 26वें सूत्र में, प्राची वृत्ति ही विषम भेषु। फिर इसके तुरंत बाद 27वां सूत्र है, परावृत्युत्तरेषु, परावृत्युत्तरेषु, उत्तरेषु, अभी उत्तर शब्द का पहले भी आया था, इत्युत्तरतः करके पिछले भाग में हम देखे थे। यहाँ उत्तर का मतलब जो आगे की, जो अवशिष्ट हैं, जो बचे हुए हैं, जो भी अर्थ में ले, यहाँ पर हम किस अर्थ में लेंगे, हम चर्चा विषम राशियों का कर चुके हैं, तो विषम राशियों के बाद बचा हुआ कौन सा है, तो समराशि। तो उत्तरेषु यानी यहाँ पर समेषु यानी समराशियों में, समराशियों में कौन सी गणना होगी, परावृत्ति, परावृत्ति, परावृत्ति ही उत्तरेषु, परावृत्युत्तरेषु यानी परावृत्ति होगी। परावृत्ति का मतलब परा यानी पश्चिम, पश्चिम पश्चिम क्रम से यानी पश्चिमाधिक्रम से अर्थात पश्चिम की ओर, मेष से पश्चिम में क्या होगा, मीन, मीन से पश्चिम में कुंभ, कुंभ से पश्चिम में मकर, इस क्रम में हम चलेंगे। कब, कहाँ पर, समराशियों में। तो यहाँ आचार्य इतना ही बता रहे हैं,
इसका गूढ़ार्थ यही है, परावृत्युत्तरेषु। फिर इसके तुरंत बाद जो 27वां सूत्र है वो हमें ये बता देता है कि यह एक सार्वभौमिक नियम नहीं है। प्राचीवृत्तिर्विषमभेषु परावृत्युत्तरेषु, ये जैमिनी महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि आँख बंद करके पालन करने वाला नियम नहीं है। तो फिर समय समय पे, जगह जगह पे हमें उसका भी अपने विवेक से भी, आचार्यों के, व्याख्याकारों के दृष्टि से भी और महर्षि के अभिमत से भी विचार करना होगा। वह सूत्र क्या है आगे का? न क्वचित। क्वचित कहीं, तो न क्वचित यानी कहीं कहीं ऐसे नहीं होता है, यानी कहीं विषम राशियों में परावृत्ति भी हो सकता है अथवा कहीं कहीं समराशियों में भी प्राचीवृत्ति हो सकता है, इस बात को बता रहे हैं आचार्य जी यहाँ पर न क्वचित इस सूत्र में। तो यह न क्वचित आगे आके हमें कहाँ पर किस संदर्भ में लेना होगा तो इसको हम आगे चलते चलते क्रम में ही देखेंगे। यहाँ तक अभी केवल 27वां सूत्र इतना ही कह रहा है कि 25वां और 26वां जो सूत्र बताए हैं जहाँ पर चरदशा में राशियों का जो क्रम बताया गया है वह क्रम हर जगह लागू करने के लिए नहीं है, अर्थात कहीं कहीं उस क्रम के विपरीत भी महर्षि जी का अभिमत सूत्रों के माध्यम से सामने आ सकता है। अब दशा तो कह दिया है मेषादि क्रम से होगा आगे को, अथवा मेषादि पीछे की क्रम को, पश्चिम के क्रम को होगा, ये तो बता दिए हैं। अब दशा का जो समय है, दशा का जो काल है, प्रमाण क्या रहेगा? तो कह रहे हैं नाथांताः समाः प्रायेण। यहाँ पर भी फिर एक शब्द आ गया सामने, प्रायेण, प्रायशः, प्रायशः यानी लगभग। लगभग ऐसे होगा कहने का तात्पर्य क्या है? कहीं कहीं फिर हमें इस विषय में भी दूसरे सूत्रों का सहारा लेना होगा। नाथांताः समाः, नाथ अंताः, नाथ यानी स्वामी, जो नाथांत यानी नाथ के अंत तक, माने नाथांत यानी जहाँ पर नाथ हैं वहाँ तक, समाह, सम कहते हैं वर्ष को, प्रायेण इतने ही होंगे। मेष राशि का उदाहरण के लिए, मेष राशि का चरदशा कितने वर्ष की होगी, तो फिर मेष राशि के स्वामी को देखिए मेष से कितने दूरी में है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल सिंह राशि में बैठा है तो फिर क्या हो गया वहाँ पर? 5 वर्ष हो गया। फिर मेष राशि का स्वामी कहीं मीन में बैठा है तो 12 वर्ष की चरदशा हो गई है। तो यही अर्थ है इसका, नाथांताः समाः प्रायेण। प्रायेण शब्द फिर आचार्य जी, महर्षि जी खास करके प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात लगभग ऐसे होता है, कहने का तात्पर्य कहीं कहीं इसके विपरीत भी हो सकता है, अर्थात कोई सूत्र ऐसे भी आगे आ सकता है कि जो नाथांताः समाः वाले इस सूत्र को काट के अन्य कोई मार्ग बता सकता है। फिर उसके बाद आज इस भाग का जो आखिरी सूत्र है वह है पंचमे पदक्रमात् प्राक् प्रत्यक्त्वं चरदशायां। पंचमे पदक्रमात् प्राक् प्रत्यक्त्वं चरदशायां। पंचमे पदक्रमात्, यहाँ पंचम शब्द से क्या आएगा, कहाँ से लेंगे हम पंचम शब्द का? जो बात आई थी कटपय वर्ग भवैरिहा, इससे। तो पंचमे पदक्रमात्, पंचम यानी यहाँ पर नवम, नवम स्थान में जो पदक्रम है अर्थात पद का जो क्रम,
उससे प्राक प्रत्यक्तम चरदशायाम, माने प्राक प्रत्यक्तम यानी पूर्व की ओर गणना अथवा पश्चिम की ओर गणना जो चरदशा में है वो कहाँ से सिद्ध होगा? पंचम में माने नवम स्थान में जो पद क्रम है उसके आधार पर होगा। इस सूत्र से फिर प्रारंभ करेंगे हम अगले भाग को, क्योंकि यहाँ पर एक जो पद शब्द हैं जिसको हम अभी तक विचार नहीं किए थे, इस शब्द को लेकर फिर हम अगले भाग को प्रारंभ करेंगे। तब तक केवल यही जानना है कि पंचम में जो पदक्रम है उससे प्रात्वम प्रत्यक्तम यानी प्राची गणना अथवा प्रतीची गणना सिद्ध होगा, तय होगा चरदशा में, चरदशायाम, ये आचार्य कहना चाह रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में।